बड़ी खबर देहरादून से आ रही है, जहां कॉलेज के टावर पर एक एनएसयूआई छात्र नेता चढ़ गया है। ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित ना होने से छात्र नाराज था, जिसके बाद वो छात्र कॉलेज के टावर पर चढ़ गया। एनएसयूआई छात्र नेता का नाम हरीश जोशी बताया जा रहा है। कॉलेज के टावर पर एनएसयूआई छात्र नेता चढ़ गया है। देहरादून से बड़ी खबर सामने आ रही है। कॉलेज के छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित ना होने से ये छात्र नाराज था। छात्र का नाम हरीश जोशी बताया जा रहा है। एनएसयूआई का ये छात्र है। एनएसयूआई छात्र नेता हरीश जोशी जो इनका नाम बताया जा रहा है, ये कॉलेज के टावर पर चढ़ गए। कॉलेज के टावर पर चढ़कर हंगामा कर दिया, जब छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित ना होने से छात्र नेता नाराज बताया जा रहा है। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं हुई, जिसके बाद ये छात्र नेता कॉलेज के टावर पर चढ़ गए, जिसके बाद यहाँ पर हंगामा देखने को मिला। आप तस्वीरों में देख सकते हैं। ये बड़ी खबर हम आपको देहरादून से दे रहे हैं। कॉलेज के टावर पर एनएसयूआई छात्र नेता चढ़ गया है, जहां पर उसने छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न होने से वो नाराज था। नाराज छात्र ये इस पे चढ़ गया है टावर पर। छात्र का नाम हरीश जोशी बताया जा रहा है। एनएसयूआई छात्र नेता है, एनएसयूआई संघ से जुड़े हुए हैं। ये एनएसयूआई संगठन से जुड़ा हुआ ये नेता है। ये छात्र का नाम हरीश जोशी बताया जा रहा है, जो कॉलेज के टावर पर चढ़ गया है। छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित न होने से छात्र नाराज था, जिसके चलते इसने ये कदम उठाया है और कॉलेज के टावर पर ये एनएसयूआई का नेता चढ़ गया है। आइए सुनते हैं छात्रों ने क्या कुछ कहा है इस बारे में। साथियों, आपको पता ही होगा छात्र संघ चुनाव की तिथि को धीरे धीरे टाला जा रहा है। मेरा धन सिंह रावत जी से अनुरोध है कि अगर छात्र संघ तिथि डीएवीपीजी कॉलेज अधिसूचना जारी नहीं करता है तो मेरी मौत का जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन और धन सिंह रावत जी की होगी। सर, जो अभी तक छात्र संघ चुनाव की तिथि घोषित नहीं करी गई है, सरकार उसमें कोई जवाब नहीं दे पा रही है, उसमें अपना ना ही कोई इसमें हमें पता आश्वासन दिया जा रहा है। हमने पहले प्राचार्य को अपना ज्ञापन दिया था, प्राचार्य की तरफ से भी कोई हमें आश्वासन नहीं मिला अभी तक। फिर हमने मुख्य सचिव को कल प्रदेश अध्यक्ष भी उसमें नेतृत्व में कल वहाँ भी ज्ञापन दिया गया, उन्होंने भी कोई खास विरोध नहीं किया। तो इसके चलते हमारे प्रत्याशी जो हरीश जोशी अध्यक्ष पद का, वो फिलहाल टावर पर है। आपने सुना जैसे कि छात्र संघ के नेता ने कहा कि चुनाव की तारीख घोषित ना होने से वो कॉलेज से नाराज है और इस वजह से वो टावर पर चढ़ गया है। उसका कहना है कि अगर तिथियों की घोषणा नहीं की गई जल्द तो उसकी मौत का जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा। ये कदम उठाना कहां तक सही है, छात्र के लिए एक बड़ा सवाल है। छात्र ने सिर्फ चुनाव संघ की जो तिथि घोषित ना होने से नाराज था, जिसके चलते वो टावर पर चढ़ गया। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे हंगामा छात्र संघ के द्वारा किया जा रहा है। एनएसयूआई के छात्र नेता हरीश जोशी का नाम बताया जा रहा है, जो टावर पे चढ़ा है। हरीश जोशी टावर पे चढ़ गया है और उसने ये बड़ा कदम उठाया है। उसका कहना है कि अगर चुनाव की तिथि की घोषणा नहीं की गई तो उसकी मौत का जिम्मेदार कॉलेज प्रशासन होगा।